नमस्कार। मैंने कुछ समय पहले एक रोलिंग मिल की विजिट की। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। पिछले 10-12 सालों में उन्होंने लगभग 20 करोड़ रुपए का लॉस दिया। जब मैंने उनके यहाँ विजिट की तो मैंने देखा कि जो उनकी रोलिंग मशीन लगी हुई थी वो सारी की सारी वेस्ट जोन में लगी हुई थी, और जो उन्होंने भट्टी लगाई हुई थी वो भट्टी उनकी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन में लगी हुई थी, और जो एसिड का काम होता था वो उनका साउथ ईस्ट जोन से ईस्ट तक के पार्ट में एसिड का काम होता था। तो उनके यहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी वो थी उनके यहाँ भट्टी, जो उनकी भट्टी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन में लगी हुई थी। तो मैंने कहा कि आप अपनी इस भट्टी को यहाँ से हटाकर साउथ जोन में लेकर आएंगे तो आपकी जो रोलिंग मिल है ये आपको प्रॉफिट देना शुरू कर देगी। यदि आपकी भी अपनी कोई रोलिंग मिल है और आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपकी रोलिंग मिल बढ़िया चले, तो आप अपनी नॉर्थ ईस्ट में लगी हुई भट्टी को, नॉर्थ में लगी हुई भट्टी को वहाँ से हटाकर साउथ जोन में जरूर लगाएं। तो मेरा अपना मानना है कि आपकी रोलिंग मिल बहुत बढ़िया जरूर चलेगी। आप मेरी वास्तु से संबंधित और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने अपने YouTube, Facebook, Instagram और वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्कार।